नाग पंचमी 21 अगस्त को आ रहा है, और इसका हाउ डू यू रीच टू दैट कैलकुलेशन कि इस दिन पे नाग पंचमी है, और इसका जातकों के जीवन में क्या असर पड़ेगा? हाँ, तो जब सूर्य अश्लेष नक्षत्र में होते हैं तो या तो आने वाले होते हैं या आ चुके होते हैं, तो उस टाइम पे नागपंचमी मनाया जाता है। हर महीने पंचमी तिथि आती है, बट जिस जिस महीने में सूर्य अश्लेष नक्षत्र के आसपास होते हैं उस महीने की पंचमी तिथि को नागपंचमी मनाते हैं। तो अश्लेष हमने देखा ही है कि नागों से रिलेटेड होता है। तो अगर आपका चंद्रमा यानी कि आपका चंद्रमा का नक्षत्र भी अश्लेष में है तो ये आपके लिए तिथि बहुत ज्यादा जरूरी हो जाती है, क्योंकि वो एनर्जी उस टाइम पे वैसी बन रही है। और बहुत ही रोचक बात आप देखोगे कि ये नागपंचमी अगस्त पे पड़ती है, इस समय आप देखोगे सबसे ज्यादा सांप बाहर आते हैं। तो रिसर्च में भी साइंटिस्ट वैज्ञानिकों ने भी यही पाया है कि अगस्त में भारत में सबसे ज्यादा सांप बाहर आते हैं, सांप के काटने का देखा गया है। तो उस समय नागपंचमी भी इसलिए रखिए कि आप फिर सांप को मारे ना, संभल के रहना चाहिए। कुछ सांप जहरीले भी होते हैं पर उनको मारे ना, और उनकी पूजा करी जाती है, उनको कुछ दूध दूध पिलाया जाता है। तो ये तो भौतिक लेवल पे हो गया। और अगर आपका अश्लेष नक्षत्र है तो उस समय आपको थोड़ा आप नाग की पूजा करना, नाग को ढूंढना तो कठिन है। तो इसमें क्या लोग करते हैं कि नाग का चित्र बना के उसके लिए फिर कुछ मीठा बना के रखते हैं, ऐसे उनकी पूजा करी जाती है। तो जिसके भी जीवन में ये नागपंचमी का बहुत ज्यादा प्रभाव होने वाला है, तो उनको नाग देवता का चित्र बना के या हाँ उनको खीर परोसना है या दूध का कोई सामान। हाँ और ये भी ध्यान रखने की जरूरत है कि कुछ टेढ़े मेढ़े कामों में ना फंसे जाना, क्योंकि हमने देखा कि अश्लेष नक्षत्र थोड़ा टेढ़ा होता है, तो बच के रहें, अपना सीधा सीधा चले। हाँ, ये ध्यान रखने की जरूरत। हाँ, तो सूर्य 10 दिन तक एक नक्षत्र में रहते हैं, तो आपको नागपंचमी से 10 दिन तक ये ध्यान रखने की जरूरत है। यानी 21 अगस्त से हो गया 1 सितंबर। हाँ ओके, तो ये डेट रेंज भी वेर।